हाय देयर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम दो गाड़ियों का प्रॉपर कंपैरिजन ए टू जेड करने वाले हैं। अभी आप जो रनिंग में गाड़ी देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये MX3 वेरिएंट है, XUV 3XO का, जो मच टॉक्ड अबाउट वेरिएंट है। और इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं विद जो कोई भी नहीं बता रहा है, जिस गाड़ी की ना किसी के पास डाटा है, ना वीडियो है, ना कुछ भी है। इसका कंपैरिजन होगा फ्रेंड आज प्रॉपर MX2 प्रो से, जो सेकंड बेस का सेकंड वेरिएंट कह सकते हो आप। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि इस गाड़ी में क्या क्या है और उस गाड़ी में क्या क्या है। वी विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम इंजन टू द स्पेक्स टू द फीचर्स टू इस गाड़ी का एवरेज ऑन रोड प्राइसिंग, ए टू जेड प्रॉपर टीयर डाउन रहेगा फ्रॉम द बोनट टू द डिकी। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट फ्रेंड्स विद MX2 प्रो। और बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्स, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम और ज़्यादा आपके लिए डाटा कलेक्ट कर पाते हैं और हमारा मन करता है काम करने के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विद द MX2 प्रो फर्स्ट। मैं आपके लिए गाड़ी रनिंग में लगा देता हूँ। MX2 प्रो में फ्रेंड्स आपको क्या क्या आ रहा है, लेट मी टेल यू कि आपको इसके अंदर जो इंजन आ रहे हैं वो एक तो आ रहा है 1.2 लीटर TCM PFI इंजन जो पेट्रोल में है। आपको इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाता है। साथ में आपको जो डीजल में आ रहा है वो 1.5 लीटर का CRDE टर्बो डीजल इंजन है, जो आपको सिर्फ मैनुअल में मिलेगा इफ़ यू टेक MX2 प्रो। साथ में आपको फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी के क्या क्या रहते हैं। इसमें आपको चारों पावर विंडोज आ जाती है, साथ में आपको बीच में दो कप होल्डर का स्टैंड आ जाता है, जो आपको हॉर्न है वो ये महिंद्रा का ट्रेडमार्क वाला ट्रम्पेट हॉर्न आ जाता है, आइसोफिक्स आ जाता है, ESC गाड़ी के अंदर आ जाता है। साथ में आपको रिमोट कीलेस एंट्री आ जाती है। उसके बाद आपको चार स्पीकर आ जाते हैं गाड़ी के अंदर, देन यू विल गेट अराउंड 10 इंचेस का बीच में क्लस्टर आ जाता है। उसके बाद आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर आपको ऑडियो के कंट्रोल्स आ जाते हैं, देन आपको इसमें सनरूफ आ जाता है। और ऑटोमेटिक और सनरूफ का ये स्टार्टिंग मॉडल है, तो इफ़ यू वांट सनरूफ एंड ऑटोमेटिक तो आपको MX2 प्रो ही देखना पड़ेगा। इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में यू आर नॉट गेटिंग सनरूफ एंड ऑटोमेटिक। तो इसका जो ये तो आपके सारे डिटेल्स की बात हो गई। साथ में आपका और भी एक्स्ट्रा बताता हूँ क्या क्या फीचर है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, साथ में आपको पीछे रियर में आपको USB-C का सॉकेट आ रहा है, आगे भी आपको USB-A का सॉकेट आ रहा है, और पीछे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट भी लगा है विच यू कैन यूज फॉर चार्जर और समथिंग लाइक अ लाइटा। साथ में आपको जो इसमें हेडलाइट्स आ रही है फ्रेंड्स वो बाय हेलोजन हेडलाइट्स रहेगी, तो इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे। साथ में आपको जो पीछे है वो LED लाइट्स आ जाती हैं। आपको फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, मतलब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। पीछे जो है आपको 60x40 का स्प्लिट सीट का मिल जाता है, और आपको 3-point सीट बेल्ट भी मिल जाती है इसके अंदर। अब ये तो फ्रेंड्स आपकी बात हो गई MX2 प्रो की। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपको MX3 जो इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। MX3 में फ्रेंड्स आपको एक तो दिस इज द स्टार्टिंग वेरिएंट फॉर एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, तो ये दो फीचर इसके अंदर आ जाते हैं जो आपको MX2 प्रो में नहीं मिल रहे हैं। इंफोटेनमेंट का साइज सेम ही रहेगा, बस उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले होगा। साथ में आपको इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट भी आ जाता है, साथ में आपको क्रूज कंट्रोल आ जाता है। तो इसमें ये 3-4 फीचर हैं तो आपको MX2 प्रो से ऊपर हो जाते हैं और आपको फर्क आ जाता है। ये 4-5 फीचर आप इसको ऐड करके आप कह सकते हो कि ये MX3 है, बाकी सब दोनों गाड़ी में सेम रहता है। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि आपको इन दोनों गाड़ियों का ऑन रोड प्राइसिंग क्या है और क्या नहीं है, सो दैट आप देख पाओ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से, मतलब आपको क्या चाहिए, आप प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। तो अगर आप MX2 प्रो की बात करते हैं, सो MX2 प्रो का आपको जो इसमें ऑन रोड रेट पड़ रहा है फॉर द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट, ये आपको पड़ रहा है 10,20,000 रुपए के आसपास पड़ रही है, और इसका आपको एक्स शोरूम पड़ रहा है 9,00,000 रुपए के आसपास। तो इसका रेट भी है जो काफ़ी अच्छा है इफ़ यू कंपेयर विद नेक्सॉन और ब्रीजा वगैरह, दिस इज़ अ वेरी गुड रेट। और गाड़ी काफ़ी हैवी है, मतलब इट इज़ गिविंग गुड परफॉर्मेंस, सब कुछ काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर। और अगर आप
MX3 के रेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सो इट विल कॉस्ट यू 9.5 लाख रुपए इसका एक्स शोरूम है एंड इसका ऑन रोड है अराउंड 10,80,000 रुपए के आसपास। तो इसमें जो दोनों गाड़ियों में है MX3 और MX2 Pro में 50,000 रुपए के आसपास का फर्क है, जिसमें इन्होंने फीचर्स ऐड करे हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और जो मैकेनिकल रहता है क्रूज कंट्रोल। तो ये 3-4 फीचर्स इसमें मेन ऐड हुए हैं। सो इफ़ यू नीड तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपके ये 2-3 चीज़ें नहीं आपको चाहिए देन यू कैन गो फॉर MX2 Pro ऑल्सो। तो दोनों गाड़ियाँ जो है अच्छी हैं काफ़ी, आपको ये देखना है कि आपको सूट क्या करती है गाड़ी। दोनों गाड़ियों की मैं आपको एवरेज भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, व्हाट एवरेज यू विल गेट फ्रॉम द कार्स बिकॉज वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ द डाटा। तो इसमें फ्रेंड्स एज पर आवर एनालिसिस जो इसमें आपको 1.2 लीटर का TCM PFI इंजन मिल रहा है दैट इज जनरेटिंग अ टॉर्क ऑफ अराउंड 200 न्यूटन मीटर्स। तो इसमें आपको जो एवरेज दे रही है ये इट इज़ गिविंग यू अ हाईवे एवरेज ऑफ अराउंड 17 और 18 यू आर गेटिंग दी हाईवेज, और इन द सिटी यू आर गेटिंग द एवरेज ऑफ अराउंड 13-ish टॉकिंग अबाउट बोथ द कार्स अगर आप TCM PFI इंजन के साथ लेते हैं। एंड इफ यू टेक द कार्स विद टर्बो डीजल इंजन, मतलब आपको डीजल इंजन में अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको टॉर्क भी बढ़ जाएगा गाड़ी का, यू विल गेट 300 न्यूटन मीटर टॉर्क्स और आपका जो एवरेज है गाड़ी का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 19 हो जाएगा ऑन द हाईवेज एंड इन द सिटी यू विल गेट अराउंड 14। सो एवरेज का तो इतना फ़र्क नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, इफ़ यू टेक डीजल और पेट्रोल अराउंड 1 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है, वो भी लेट मी टेल यू के नेग्लिजिबल ही है। और इन्होंने जो डीजल गाड़ी का है वो रेट काफ़ी ऊपर कर रखा है, अराउंड 1.5-2 लाख रुपए सारे वेरिएंट्स के ऊपर है कंपेयरिंग टू द सेम वेरिएंट्स ऑफ इफ़ यू टेक द पेट्रोल वन विथ सेम फीचर्स एंड सेम वेरिएंट। बट हाँ, इसमें आपको टॉर्क वगैरह ज़्यादा मिल जाती है, पावर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। तो यू कैन सी इफ़ यू आर डीजल लवर देन यू कैन टेक द डीजल कार, और दोनों में ही आपको डीजल आ रही है। लेकिन अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक चाहिए देन यू हैव टू गो फॉर MX3 क्योंकि MX2 Pro में डीजल ऑटो शिफ्ट नहीं आ रहा है। तो अगर आपको डीजल ऑटो शिफ्ट में चाहिए देन यू हैव टू गो फॉर MX3। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारा जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, मैंने दोनों गाड़ियाँ आपके लिए रनिंग में भी लगाई। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और जिसको ये डिटेल चाहिए आप उसको शेयर कर सकते हैं, और डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।